अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा राष्ट्र संगठन द्वारा महू के बड़गौंदा में युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। विधायक प्रतिनिधि महेश यादव के नेतृत्व में आयोजित किए गए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर एवं राष्ट्रीय कवि शहीद समरसता मिशन के प्रद्युम्न शर्मा ने वीर क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी करार दिया और कहा कि यह मैं हाईकोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट में भी साबित कर सकती हूं कि कांग्रेस एक देशद्रोही पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से ही हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास न पढ़ते हुए इन्होंने सिर्फ उन मुगलों का इतिहास पढ़ाया, जबकि इन्हें डर था कि अगर गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह सहित महान क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाता तो हमारी संतानें सिंह जैसी होती। आज हमारे यहाँ महेश यादव जी, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी और बाल गंगाधर तिलक जी के जन्म दिवस का आयोजन यहाँ पर रखा और सभी इस पावन कार्यक्रम में शामिल हुए। जो मैंने बात कही, मैंने यही बताया कि CBSE के कोर्सों में कैसे षड्यंत्र पूर्वक 108 तथ्य तुमने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के सुधराए, हमारे महान क्रांतिकारियों को आतंकवादी, पहाड़ी चूहा, हत्यारा, असामाजिक तत्व तक घोषित किया। ऐसा गलत इतिहास पढ़ाने का अपराध किया कांग्रेस ने और 65 साल इस देश के युवा पीढ़ी, इस देश के स्वाभिमानी इतिहास से वंचित रहे। गुरुओं की बलिदानी परंपरा, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, जो मुर्दे में भी प्राण फूंक दे, ऐसे सब पाठों से जानबूझकर आने वाली पीढ़ी को वंचित रखा गया। देखिए ना, हमने कैसे वहां बच्चों की गलती कहाँ है? गलती तो शिक्षा देने वालों की है। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, निश्चित रूप से हर विद्यार्थी अपना दायित्व ठीक से निभाते हुए देश की सेवा कर पाएगा। इसके विषय में क्या कहेंगे, जो आज मध्य प्रदेश के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, खासकर लड़कियों पे, नाबालिग लड़कियों पे, बालिकाओं पे, महिलाओं पे? देखिए, इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण समाज को और स्वयं माता बहनों को, अभिभावकों को स्वयं के कंधों पर लेनी होगी। कौन है वो अभिभावक जो अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं दारू पीने के लिए, बियर बार और शीशा लाउंज में जाने के लिए? बच्चों को हमें संस्कारित करना होगा, हमें उन्हें आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना होगा, हमें उन्हें सदसंगति में डालना होगा, संस्कारों से परिपूर्ण करना होगा, तो ऐसी घटनाएं समाज से खुद बखुद समाप्त हो जाएंगी। मंत्री उषा ठाकुर ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर भी चिंता जाहिर की है और माता पिता से जेब खर्च के लिए बच्चों को दिए जाने वाले रुपयों के बारे में बच्चों से सही जानकारी लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, महू।